दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइंट है जो मात्र 30 मील की छोटी सी जगह है। ये छोटी सी जगह की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो क्या है इस पॉइंट पर जो कि इसे इतना पावरफुल बनाता है? तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट का नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है इस पॉइंट पर जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जमीन पर 70% समुद्र है और दुनिया में जो 80% ट्रेड होती है वो इन्हीं समुद्रों के जरिए होती है। कभी भी किसी भी समय हजारों की तादाद में समुद्र इन जहाजों को पार कर रहे होते हैं। मगर जैसा कि आप सभी को पता है कि समुद्र पार करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि कुदरत के द्वारा बने कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अगर ये ब्लॉक हो गए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। ऐसा ही हमारे इतिहास में एक बार हो चुका है, जब मार्च 2021 में एक कार्गो शिप एक पॉइंट में फंस गई थी। तब उस टाइम पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पूरी दुनिया में बस यही एक पॉइंट है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। इस तरह के कई और भी पॉइंट हैं, जैसे पनामा कैनाल, केप ऑफ गुड होप, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, टर्किश स्ट्रेट और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाका जो इंडिया ट्रेड को कंट्रोल करता है। मगर ये सब इतने खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। अब ये इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। दरअसल ये पॉइंट पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और इस 30 मील के गैप को पार करना जहाजों के लिए इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि इस चोक पॉइंट में 18 आइसलैंड हैं और इनमें से कई आइसलैंड पर ईरान का कब्जा है और कई जगह पे समुद्र का वाटर लेवल भी कम रहता है, जिसकी वजह से जहाजों को समुद्र पार करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया 70% ऑयल और 50% गैस पर्शियन गल्फ से इंपोर्ट करता है और इसी तरह से साउथ कोरिया और भी कई सारी कंट्री तेल और गैस इसी रास्ते से इंपोर्ट करती हैं। लेकिन डर इस बात का है कि अगर कहीं ईरान से कोई युद्ध जैसी स्थिति बने और ईरान इसे अपने कब्जे में न ले ले, इसलिए अमेरिकन सैनिक यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं, जिससे ये पता चलता रहे कि टैंकर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर फारस की खाड़ी से सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं या नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए कितना जरूरी है, जिसे ब्लॉक होने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लॉस हो सकता है और ये लॉस कितना बड़ा होगा इसका आपको अंदाजा लग गया होगा। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए।